अगर आप बच्चे या फिर कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना देखें। अगर आप फिर भी इसे देखना चाहते हैं तो वेलकम टू सालो मूवी। गाइज, ये मूवी आपको थोड़ी डिस्टर्बिंग लग सकती है क्योंकि इस पूरी मूवी में नग्नता और दरिंदगी इस हद तक दिखाई जाती है कि आम इंसान उसे नहीं देख सकता, और इस मूवी के कारण ही इसके डायरेक्टर की भी हत्या की गई। मूवी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। मूवी का पहला भाग अंटी इन्फर्नो, जिसमें हमें वर्ल्ड वार टू 1944 के बाद इटली का सालो शहर देखने को मिलता है, और यहाँ पर 4 बड़े लोग मीटिंग करते दिखाई देते हैं, जिनमें प्रेसिडेंट, मैजिस्ट्रेट, बिशप और ड्यूक थे, जिसमें ये एक सीक्रेट रिचुअल प्लान बनाते हैं और अपने रिचुअल के लिए डिसाइड करते हैं कि ये चारों लोग एक दूसरे की ही बेटियों से शादी करेंगे, और साथ में ये एक अजीब रूल बनाते हैं कि उन चारों को मेंशन में हर टाइम न्यूड रहना पड़ेगा। उसके बाद जैसा कि ये सीक्रेट प्लान था तो ये लोग 4 लड़कों को सिक्योरिटी के लिए रखते हैं, और साथ ही उन्हीं गार्ड्स को प्लेजर देने के लिए ये लोग 4 स्टड्स को भी रखते हैं, और फिर कुछ लड़के और लड़कियों को भी किडनैप करवाते हैं, जिनमें 18 सिलेक्टेड लोग जो फिजिकली फिट थे सिर्फ उन्हीं को मेंशन ले जाते हैं। लेकिन जब ये लोग सभी को मेंशन ले जाते हैं तो एक लड़का बीच में ही भागने की कोशिश करता है, और वो भाग पाता उससे पहले ही गार्ड्स उसे शूट कर देते हैं। उसके बाद इस मूवी का पार्ट 2 सर्कल ऑफ मीनियस शुरू होता है, जिसमें वो बड़े लोग 4 प्रोस्टिट्यूट को हायर करते हैं, जो कि उन किडनैप लड़के लड़कियों को अपने एक्सपीरियंस से सेक्सुअल वर्क समझाते हैं कि उन्हें कैसे करना होगा। उसके बाद उन 4 बड़े लोगों ने एक दूसरे की जिन 4 बेटियों से शादी की थी वो खाना सर्व करने लगती है, लेकिन तभी एक स्टड ड्यूक की बेटी को नीचे गिराकर सबके सामने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, और इसी बीच प्रेसिडेंट भी अपनी पैंट उतारकर पहले अपना बम शो करता है और फिर स्टड के सामने झुककर प्लेजर लेता है। इसी बीच एक प्रोस्टिट्यूट एक मनी क्वीन लाकर सभी को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें अपने प्राइवेट पार्ट्स को कैसे यूज करना होगा, और फिर ये लोग विक्टिम्स में से सर्जिया और रेनाता नाम के 2 विक्टिम्स की जबरदस्ती शादी करवा देते हैं और उन्हें एक रूम में ले जाकर फिजिकल रिलेशन बनाने को बोलते हैं, और जब वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं तो प्रेसिडेंट और ड्यूक उन्हें रोककर उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। इसी बीच मैजिस्ट्रेट ड्यूक की पैंट उतारकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, और फिर अगले दिन ये लोग सभी विक्टिम्स के गले में पट्टे डालकर उन्हें कुत्ते की तरह बिहेव करने को बोलते हैं, और साथ ही उन्हें कुत्तों की तरह फेंक कर खाना खिलाते हैं, और जो विक्टिम खाना नहीं खाता उसे बुरी तरह पीटा जाता है। इसी के साथ मैजिस्ट्रेट प्रेसिडेंट की बेटी को खाने में कील डालकर खिलाता है, जिसे खाने से उसके मुंह से बुरी तरह खून निकलने लगता है, लेकिन फिर भी उसे पूरा खाना पड़ता है। और फिर तीसरे भाग सर्कल ऑफ सिट में हॉल में सभी लोगों के सामने एक प्रोस्टिट्यूट अपनी स्टोरी सुनाती है। उसने अपनी माँ को इसलिए मार डाला क्योंकि वो उसे प्रोस्टिट्यूट बनने नहीं दे रही थी, और आखिरकार अपनी माँ को मारने के बाद ही वो प्रोस्टिट्यूट बन पाई। इतना सुनकर वहीं खड़ी रहना तो रोने लग जाती है क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, और वो खुद पर हो रहे अत्याचार से तंग आकर मरने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। लेकिन रेनाता के मुंह से भगवान का नाम सुनकर ड्यूक गुस्सा होकर वहीं पोटी कर देता है, और रेनाता को न्यूड करवाकर उसे अपनी वेस्ट खाने के लिए मजबूर करता है। इसी बीच प्रेसिडेंट एक नया रूल बना देता है कि सभी विक्टिम्स को अपनी अपनी पोटी खानी पड़ेगी, और जो नहीं खाएगा उसे मार दिया जाएगा। इस रूल के बाद प्रेसिडेंट इस चीज को चेक करने लड़कियों के रूम में जाता है तो एक लड़की ने पोटी की थी तो वो जबरदस्ती उसे खिलाता है। इसी के साथ प्रेसिडेंट लड़कों के रूम में भी जाकर देखता है तो वहां भी उसे एक लड़का की ये मिलता है। प्रेसिडेंट उसे भी वो चीज जबरदस्ती खिलाता है। यही नहीं, ये लोग डिनर में खुद भी वेस्ट मटेरियल ही खाते हैं, वो भी बड़ी खुशी से। और फिर चौथे भाग सर्कल ऑफ ब्लड में ये चारों लोग स्टड से शादी कर लेते हैं, और रात को बिशप अपनी सुहागरात मनाकर विक्टिम लड़कों को चेक करने जाता है, जहां एक विक्टिम बिशप को बताता है कि एक विक्टिम लड़की का अफेयर एक गार्ड के साथ चल रहा है। उस विक्टिम की बात सुनकर बिशप जल्दी से उस विक्टिम के पास जाकर देखता है तो उसे लड़की के पास गार्ड का फोटो मिलता है, और तभी वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए बिशप को बताती है कि उसके विक्टिम ग्रुप में 2 लड़कियां एक दूसरे से ही प्यार करती हैं, और वो लड़की बिशप को उन 2 लड़कियों के पास लेकर जाती है जो कि प्लेजर लेने में बिजी होती है। ये देखकर बिशप उन्हें मारने ही वाला था कि वो 2 लड़कियां एक और राज खोलती हैं। रात को एक गार्ड एक विक्टिम के रूम में जाकर मजे करता है। ये सुनकर बिशप अपने सभी साथियों को उठाकर विक्टिम के पास जाते हैं, जहां वो देखते हैं सच में विक्टिम लड़की और गार्ड मजे कर रहे थे, और तभी वो उन दोनों को मार डालते हैं, और उस गार्ड की जगह पूरी करने के लिए एक विक्टिम लड़की
लड़के को ही गार्ड की नौकरी देते हैं। उसके बाद कुछ विक्टिम्स को सजा देने के लिए उन्हें वैल्यू कार्ड देकर बाहर ले जाया जाता है, जहां पर वो विक्टिम्स पर खूब अत्याचार करते हैं। किसी की जीभ काट देते हैं, किसी का प्राइवेट पार्ट्स जला देते हैं, तो किसी की आंखें ही निकाल देते हैं। उन चारों के साथ स्टड्स भी उन पर खूब अत्याचार करते हैं। इसी बीच अपने रूम की खिड़की से एक प्रोस्टिट्यूट ये सब देखकर काफी डर जाती है और वो खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। और सभी विक्टिम्स को मारने के बाद उनका रिचुअल पूरा होता है, जिसके बाद वे चारों बड़े लोग अपने रूम में चले जाते हैं और फिर मूवी के क्लाइमेक्स में दो गर्ल्स को डांस करते दिखाया जाता है। गाइज, इस मूवी में जो प्लॉट में दिखाया गया वो दांते की डिवाइन कॉमेडी से इंस्पायर्ड है, जो कि 1308 में शुरू होकर 1320 में खत्म हुआ था। इसके अनुसार इंसान मरने के बाद नरक में जाता है, जहां उन्हें उनके कर्मों की सजा दी जाती है, और ये चार बड़े लोग भी उसी चीज को ध्यान में रखकर असल जिंदगी में ही उन्हें सजा देते हैं। इस तरह का रिचुअल करते हैं ताकि वो खुद डेविल के करीब आ सके। वो डेविल की टीम में शामिल होने के लिए इस तरह की दरिंदगी करते हैं। गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे जल्दी ही एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।